हेलो फ्रेंड्स, आज हम जैम 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैम 2019 का जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था 1 मार्क्स के लिए, वो ऐसा कुछ था कि आपको एक फंक्शन दिया गया है जिसको बोला गया है फंक्शन है 8x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये बोला है कि हमेशा कंटिन्यूस है एक्सेप्ट, ठीक है, कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है वो बताना है, किस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है। तो देखो, अगर रियल प्लेन की बात करें, अगर रियल नंबर लाइन पे बात करें, तो ऊपर वाला फंक्शन कंटिन्यूस है, नीचे वाला फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूस है, ठीक है, तो इनका रिजल्ट भी हमेशा कंटिन्यूस होगा। पर ये किसके लिए है? रियल नंबर लाइन पे, ठीक है। एंड ये वाला फंक्शन जीरो भी कभी नहीं हो सकता रियल नंबर लाइन पे, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा ये वाला फंक्शन। बट अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें, तो ये नीचे वाला टर्म ज़ीरो हो सकता है, और जब भी नीचे वाला टर्म ज़ीरो हो जाए, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी चेक होने के लिए फंक्शन को डिफाइन होना पड़ेगा वहाँ पे। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9 जब ज़ीरो हो गया, तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, तब एक्स कहाँ पे ज़ीरो हो सकता है, मतलब ये टर्म्स कैसे ज़ीरो हो सकता है? एक्स प्लस माइनस 3 आयोटा हो जाए तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस नहीं रहेगा किस किस पॉइंट पे, एक्स या प्लस 3 आयोटा हो गया या माइनस 3 आयोटा हो गया। ऑप्शन डी जो यहाँ पे है उसमें है प्लस माइनस 3 आयोटा, तो वो ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। ओके, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है इसका कि इसने एक ग्राफ दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी का, और उसमें पूछा है क्लासिकल पार्टिकल के लिए कौन सा रीज़न फॉरबिडन है, ठीक है। तो ग्राफ अपन बना लेते हैं। ये ग्राफ दिया गया है, ये मान लेते हैं ये कांस्टेंट एनर्जी लाइन है आपकी, एनर्जी कांस्टेंट है। एंड ग्राफ कुछ ऐसा दिया गया है, कुछ ऐसा ग्राफ है। ये पहला रीज़न है, ये दूसरा रीज़न है, ये तीसरा रीज़न है, और ये चौथा रीज़न है, ऐसे इसने ग्राफ में बताया हुआ है। अब पूछा क्लासिकल पार्टिकल के लिए कौन सा रीज़न फॉरबिडन है, ठीक है। तो तुमको ये तो पता है कि टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी डिफाइंड है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि ये इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकती। तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू टोटल एनर्जी के इक्वल हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और कब होगी? जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। अगर उससे ज़्यादा हो गई तो काइनेटिक एनर्जी को नेगेटिव होना पड़ेगा, जो कि अलाउड नहीं है क्लासिकल पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, जो कि ये लाइन बता रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैन नेवर बी ग्रेटर देन योर टोटल एनर्जी, ठीक है। तो अब कहाँ कहाँ पे ज़्यादा देख लो, यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी और आर के रिस्पेक्ट में ये रीज़न है आपका। तो फर्स्ट रीज़न और थर्ड रीज़न में ये जो ग्राफ है वो ऊपर है टोटल एनर्जी के, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है टोटल एनर्जी के लिए। तो फर्स्ट रीज़न और आपका थर्ड रीज़न जो है नॉट अलाउड है, और जो पेपर है मेरे पास उसमें ऑप्शन डी है ये, कि फर्स्ट रीज़न एंड थर्ड रीज़न आर फॉरबिडन, ठीक है। ये तो सेकेंड क्वेश्चन हो गया आपका। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि आपका एक इन द थर्मल न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फ्यूजन करा रहे हैं, जिसमें अपन थर्मल न्यूट्रॉन यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें यूरेनियम 235 द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्यूजन फ्रेगमेंट वाई यील्ड वर्सेस द मास नंबर ए इज गिवन बाय, ठीक है। ओके, जैसे मान लीजिए ये यूरेनियम है, ठीक है, ये यूरेनियम क्या है 235 है, इसमें मैंने न्यूट्रॉन जो है बम्बार्ड कराया, ठीक है। तो ये जो है यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद ये डिके करेगा, कुछ ऐसा प्रोसेस होगा, उसके बाद ये डिके करके दो फ्रैगमेंट बना लेगा, ठीक है। ये प्रोसेस होती है फ्यूजन की, ठीक है। ओके, अब क्या हो रहा है, आपको मास नंबर और फ्रेगमेंट्स के यील्ड्स के बीच में ग्राफ पूछ रहा है। तो मास नंबर जैसे आपका 80 है, 120 है, और ये 160 है,
तो आप किसी भी बुक में देखेंगे, ठीक है, तो आपको जो ग्राफ दिखेगा, ठीक है, वो इस टाइप का होता है ये ग्राफ, ये पीक्स लगभग इक्वल होती है, ठीक है, और ये फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे ए, ठीक है, इस पीक पे फर्स्ट फ्रैगमेंट होगा, इस पीक पे सेकंड फ्रैगमेंट होगा, ये स्टेबिलिटी की पीक है, ठीक है। तो 80, 120 ये मास नंबर है आपके, ठीक है, और ये यील्ड आपका फ्रैगमेंट्स है, ठीक है। तो किसी भी टेक्स्ट बुक में आप देखिए, पहला डायग्राम फीजन का आपको यही दिखाई देगा। तो दैट्स कोई ट्रिवियल क्वेश्चन है ये, तो कोई इसमें एक सिंपल सा ग्राफ पूछा है। ओके, अपन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में ये बोलता है कि इसने मिलर इंडेक्सेस दिया हुआ है, प्लेन रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन रिप्रेजेंट्स 100 मिलर इंडेक्सेस ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसने मिलर इंडेक्स क्या दिया है, 100, सॉरी 101, ये आपकी मिलर इंडेक्सेस है, ठीक है। अब इसमें आप मिलर इंडेक्सेस से इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, इनको उल्टा कर देते हैं, तो 1 इन्फिनिटी 1, ये क्या वाई एक्सेस से इंटरसेप्ट एक्स एक्सेस से जेड एक्सेस से, तो बना लीजिए, ठीक है। तो पहले तो क्यूब बना लीजिए, क्यूबिक यूनिट सेल है आपकी, ठीक है, ये आपका क्यूब बन गया। अब इसका एक्स एक्सिस से इंटरसेप्ट 1 है, जेड एक्सिस से इंटरसेप्ट कितना है, 1 है, एंड वाई एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट नहीं खींचता ये, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। अब ये देखिए, ये प्लेन वाई एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो ये जो है कुछ इसका प्लेन बनेगा, ठीक है, जिसमें बी ये ऑप्शन दिया हुआ है, बी जो है ये ऑप्शन दिया हुआ है, क्या एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट, वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे 1 यूनिट, एंड वाई एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट नहीं काटेगा ये प्लेन, ठीक है। ये तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है कि द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अच्छा फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का सिर्फ फॉर्म पूछा है, ये तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही याद होगा, नहीं है तो आपको एक्चुअल में फॉर्म तो यही होता है कि 1/, e टू द पावर e माइनस ई एफ डिवाइडेड बाय KBT प्लस 1। अच्छा, इसको याद करने का एक इजी तरीका है, ठीक है, आपको पता ही होगा कि जब टेम्परेचर 0 होता है तो ई एफ के नीचे सारे एनर्जी लेवल जो है इलेक्ट्रॉन द्वारा पॉपुलेटेड होते हैं, और उसके ऊपर जो है कोई एनर्जी, सारे एनर्जी लेवल इम्पटी होते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, जो जनरली हर जगह कराया जाता है, कि जैसे अगर ई एफ से ज़्यादा हो गया मान लीजिए, ठीक है, और टेम्परेचर 0 हो गया, तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, ठीक है, आपकी ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, और इसको डिवाइड करना है 0 से, तो ये प्लस इन्फिनिटी की ओर चला गया, प्लस 1, तो ये टोटल जो डिनोमिनेटर है ये इन्फिनिटी की ओर चला गया, ठीक है, और ये टोटल जो है ये फंक्शन जो है वो 0 की तरफ चला गया, ठीक है। तो ये एन जो डेंसिटी फंक्शन है आपका 0 की तरफ चला गया, ठीक है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो 0 की तरफ चला गया, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर ये नेगेटिव हो जाए, मान लीजिए ई लेस देन ई एफ हो, नेगेटिव हो गया मान लीजिए, तो ये जो है नेगेटिव हो गया, और ये जो है 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, 0 की तरफ जा रहा है, तो ये जो टोटल है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला गया, माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला गया, तो ये जो ई का टोटल है ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये कहाँ जाएगा, 0 की तरफ, ये 0 की तरफ जा रहा है, तो 0 प्लस 1, ये 1, ये आपका फंक्शन था, तो ये टोटल फंक्शन 1 की तरफ चला गया, 1 की तरफ चला गया, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, मतलब टोटल
पॉपुलेटेड होगा वो, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इस फंक्शन को, इस फंक्शन के स्ट्रक्चर को। कभी कभी ये दिक्कत होती है कि यहाँ पे प्लस था कि माइनस था, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं प्लस ही होगा हमेशा यहाँ पे, क्योंकि अगर होगा तो ये माइनस वन चले जाएगा, माइनस वन तो दिक्कत है, ठीक है। तो ये सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइव एक्स वाई जेड इज़ अ स्केलर फंक्शन, एक फंक्शन है स्केलर फंक्शन विच सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। ओके, तो एक फंक्शन है जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाइव एक्स वाई जी इज ज़ीरो, ये है आपका लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ एक फंक्शन फाइव। ओके ओके, देन ग्रेडियंट ऑफ फाइव इज, अब इसने बोला है कि ग्रेडियंट ऑफ फाइव क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाइव पे आगे पूछ रहा है। तो अच्छा सोलेनोइडल इरोटेशनल ये सब पूछ रहा है। ओके ठीक है, तो आप देखिए इरोटेशनल का क्या मतलब होता है, इरोटेशनल का मतलब होता है वो रोटेट नहीं करेगा फंक्शन। अब रोटेट नहीं करेगा तो उसका कर्ल ज़ीरो होगा। मान लेते हैं ए जो अगर इरोटेशनल फंक्शन है तो इसका कर्ल ज़ीरो होगा अगर ए इरोटेशनल है ना। अगर ए सोलेनोइडल है तो इसका डाइवर्जेंस ज़ीरो होगा, ये सोलेनोइडल की कंडीशन हो गई, और ये इरोटेशनल की, ये सोलेनोइडल की ये सोलेनोइडल की कंडीशन हो गई, ये इरोटेशनल की कंडीशन हो गई। अब तुमको ये पता होना चाहिए ग्रेडियंट तो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है, और ग्रेडियंट रोटेट नहीं होता, ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा ज़ीरो होता है। तो ऑफ ग्रेडियंट ऑफ समथिंग ये हमेशा ज़ीरो ही होता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो आपकी फुलफिल हो गई, ये इरोटेशनल है क्योंकि ये ग्रेडियंट है, पहली चीज़। दूसरा, क्या ये सोलेनोइडल है, तो आप देख लेते हैं डाइवर्जेंस ऑफ दिस फाई एक्स वाई जेड ये है, ये क्या बन जाएगा, और ये तो ज़ीरो है एज गिवन इन द क्वेश्चन, क्योंकि ये लाप्लास इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, मतलब ये इरोटेशनल भी है और सोलेनोइडल भी है, और ये ऑप्शन ए है आपका, ये जो पेपर है मेरे पास इसमें ऑप्शन ए है कि ये सोलेनोइडल है और इरोटेशनल है। तो सोलेनोइडल की कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है, इरोटेशनल की कंडीशन भी फुल कर रहा है, अगर फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करता है, को मतलब सेटिस्फाई करता है, और ठीक है उसके ग्रेड फाइव पे आपको कमेंट करना है। तो ये दोनों होगा, सोलेनोइडल भी होगा इरोटेशनल भी होगा, ठीक है। ओके ओके, क्वेश्चन सेवन पे आते हैं। क्वेश्चन सेवन बोलता है इन अ हीट इंजन बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल हीट इज एडेड टू द वर्किंग सब्सटेंट एज कॉन्स्टेंट। ओके अच्छा, कार्नोट इंजन में दो ही टाइप के साइकिल होते हैं, एक तो आपका आइसोथर्मल होता है और एक एडियाबैटिक होता है। अब यहाँ पे तो हीट कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो हीट एडिशन वगैरह तो हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे आइसोथर्मल में जो है आपका हीट एडिशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, हीट एडिशन होते हुए एक्सपेंशन हो सकता है या हीट रिजेक्ट होते हुए कंप्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो आइसोथर्मल कंडीशन में हीट एडिशन होता है, आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर जो है आपका कांस्टेंट है, तो ये सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। ओके अब क्वेश्चन एट है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी इज गिवन बाय, क्वेश्चन एट है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी के बारे में पूछ रहा है। अब आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी आपको पता होना चाहिए इज गिवन बाय वन अपॉन वी डेल्पी डेल्वी बाई डेल्पी एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ये जो है सी जो है ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है, ठीक है,
ये आपको याद होना चाहिए, देन एंड देयर वाला फॉर्मूला। ओके क्वेश्चन 9, फॉर यूजिंग अ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ बेस इमीटर RBE एंड बेस कलेक्टर जंक्शन। ये मान लेते हैं अपन ने ट्रांजिस्टर बनाया, ठीक है, मान लेते हैं ये NPN ट्रांजिस्टर है। अब ट्रांजिस्टर में हमेशा क्या होता है कि ये फॉरवर्ड बायस होता है और ये इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, और ये जो है रिवर्स बायस होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस होने के कारण ये जो है लो रेजिस्टेंस डिनोट करता है और कलेक्टर वाला हाई रेजिस्टेंस डिनोट करता है। ठीक है, ये तो बेसिक ऑफ ट्रांजिस्टर है, सीधा सीधा, कोई इस क्वेश्चन में कोई लफड़ा नहीं है, सीधा सीधा। अगर आपने ट्रांजिस्टर पढ़ा है तो आपको ये पता होगा, ठीक है, कि आपको फॉरवर्ड बायस इमीटर में देना होता है, रिवर्स बायस कलेक्टर में देना होता है। तो अब इसमें ऑप्शन है कि बी ऑप्शन चाहिए, वेरी लो आर बी एफ फॉरवर्ड बायस वेरी लो एंड वेरी हाई रिवर्स बायस। ठीक है, ओके, इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन 10 में आते हैं, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस एंड दिस। ओके, दो वेक्टर आपको दिया हुआ है तो उनसे हमेशा एक प्लेन पास हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ये बचपन से कोप्लेनर हैं, दो वेक्टर हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं, तीन वेक्टर मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर आपके पास है तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, ए क्रॉस बी एक वेक्टर होता है जो ए के परपेंडिकुलर होता है एंड बी के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको दो वेक्टर दिया गया है, ए और बी दोनों दे दिया गया है। ए क्या है, आई प्लस जे माइनस टू के, ओके, और ये है टू आई माइनस जे प्लस के। ठीक है, इनका आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, पहले चीज। दूसरा, इस क्रॉस प्रोडक्ट आपको यूनिट वेक्टर पूछा है तो उस क्रॉस प्रोडक्ट को आपको नॉर्मलाइज कर देना है, उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देना है। और सेकंड, आपको ये भी ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर के दो डायरेक्शन होते हैं, अबो और बिलो। ठीक है, तो मानते हैं कि आपका जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला वो आपने राइट हैंडेड फॉलो किया या लेफ्ट हैंडेड फॉलो किया, इस पे भी डिपेंड करेगा, यानी आपने इसको पहले रखा या इसको पहले रखा। जैसे आई जे के आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, यहाँ पे ए के कंपोनेंट रखेंगे, बी के कंपोनेंट रखेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं कि बी के कंपोनेंट रखना है, ए के कंपोनेंट रखना है, तो बस माइनस का अंतर आएगा। तो आपको देखना है कि आपका ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, या तो पॉजिटिव वाला या तो निगेटिव वाला। ठीक है, माइनस का ही अंतर आ सकता है, या तो प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर होगा वो, या तो प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर आएगा। तो आप इसको निकाल लीजिए, फिर उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, और ऑप्शन डी जो है करेक्ट आ रहा है, वो ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, 1/√35 माइनस आई माइनस 5j माइनस 3k। देखो माइनस 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 आ रहा है सब में, मान लेते हैं आपने कुछ भी निकाला और आई प्लस 5j प्लस 3k आ गया, मान लेते हैं आपका ये वेक्टर आ गया, मतलब ये वेक्टर ऐसा बता रहा है कि ये इसके ऐसा परपेंडिकुलर, पर ऑप्शन में दूसरा वेक्टर दिया है जो इधर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लगा दीजिए, ये वेक्टर पलट जाएगा। ठीक है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11-30 में आते हैं, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन 11 है, अ थिन लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इज केप्ट इनसाइड अ लिक्विड ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना 4/3, इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर
द फोकल लेंथ इज लिक्विड। ये जो क्वेश्चन है वो टिपिकल JEE मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इसमें आपको लेंस मेकर फार्मूला यूज़ करना है जो कि बोलता है 1/f(a μg-1)/r1-1/r2, ठीक है। ये ए म्यू जी लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ पे एयर टू ग्लास जा रही है, अगर लिक्विड टू ग्लास जाए तो एल म्यू जी हो जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। पर यहाँ पे पहला मान लेते हैं एयर में रखा हुआ है लेंस, तो एयर टू ग्लास जा रही है, ठीक है। ये मीडियम ऑफ लेंस बताता है, ये मीडियम ऑफ इट्स सराउंडिंग बताता है। तो मान ले लिक्विड में रख दिया आपने, तो लिक्विड टू ग्लास जा रही है अप्लाई, तो लिक्विड टू ग्लास एल म्यू जी, ठीक है। अब तुमको ये भी पता होगा कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है म्यू जी बाई म्यू एल, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है तोड़ के, ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये तो आपका वो हो गया, ठीक है। अब एयर में फोकल लेंथ इसके क्या है, ए म्यू जी माइनस वन और एक कांस्टेंट सी, ये कांस्टेंट ही है, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, ये ज्योमेट्री ऑफ लेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब लिक्विड में क्या है, लिक्विड क्या है, एल म्यू जी है, एल म्यू जी माइनस वन और यही कांस्टेंट। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जाएगा म्यू जी म्यू एल ए म्यू जी ए म्यू एल माइनस वन, ये कांस्टेंट, और ये लिखा जाएगा, चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, मान लेते हैं इसको डिवाइड कर दीजिए, तो एफ एल ऊपर चला जाएगा, एफ इन एयर, और ये ए म्यू जी माइनस वन डिवीज़न हो रहा है आपका एल म्यू जी से, तो ए म्यू जी डिवाइडेड बाई ए म्यू एल माइनस वन, और ये कांस्टेंट तो कट गया दोनों साइड से, ठीक है। तो ए म्यू जी क्या दिया है आपका, अ थिन लेंस ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, ठीक है, ये होगा 3/2 डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 माइनस वन, ठीक है। इसको इधर करते हैं, तो ये है 3/2 माइनस वन, ये हो गया आपका 3/2 × 4 एफ एल एफ ए। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका एफ एल आ जाएगा। एफ एल क्या आएगा, एफ एल एफ ए, एफ ए कितना है 10, ये 3/2, ये हाफ हो गया, ये 9/8, ये 1/8 हो गया, तो ये 10 × 4 40 हो गया आपकी एफ एल की वैल्यू, 40 सेंटीमीटर। तो 12th जो क्वेश्चन है हमारा, दो नंबर वाला, ठीक है, ये बोल एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसकी इसने आइगन वैल्यूज पूछी है, तो मैट्रिक्स है 3, 3, 6, 0, 0, 0, sorry, 0, माइनस आयोटा आयोटा और 0, ये मैट्रिक्स है इसकी, इसकी आपको आइगन वैल्यूज पूछा है, और ऑप्शन दिया है आपको 2, 4, 6 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 2 iota 4 iota 6, फिर है 2 iota
फोर और एट, और लास्ट ऑप्शन है आपका 0, 4 और 8, ठीक है। ओके अब या तो आप फॉर्मूले सॉल्व कर सकते हैं इसको, जैसे करते हैं a माइनस लेमडा आई का मॉडुलस इक्वल्स टू ज़ीरो, इसका यूज़ कर सकते हैं आप, या तो सीधा सीधा प्रॉपर्टीज़ देखिए आप, समेशन ऑफ अ डायगनल जो वो सॉरी समेशन ऑफ द रूट्स जो होता है वो ट्रेस देता है आपको, ठीक है। ट्रेस क्या होता है, समेशन ऑफ द डायगनल, ठीक है। तो 6, 10, 6, 4, 10, 2, 12, ठीक है, 12, ये भी 12 है, ठीक है, ये भी 12 है, ठीक है। बाकी ये इमेजिनरी हो ही नहीं सकते इनके रूट्स, इनके आइगन वैल्यूज, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या देता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू देता है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकाल लो, आप यहाँ से एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 6, 3, 3, 9 माइनस और माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये -1, -1 ये 1 बन गया, 1 माइनस 6 × 8 हो गया ये, ठीक है। अब इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज़ क्या देता है आपको, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज़ आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू देती है। तो प्रोडक्ट निकालिए, 6, 8, 8 × 6, तो ये जो ऑप्शन है ये सही आ रहा है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे जो दिया है वो सही है, ठीक है। या तो आप ऐसे कैलकुलेट कीजिए, या तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी आपको दिख रही है यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 13 में आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 13 ये बोलता है कि फॉर अ क्वांटम पार्टिकल कन्फाइंड इनसाइड अ क्यूबिक बॉक्स ऑफ साइड एल, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज गिवन बाई ई नॉट, द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज। जैसे आपका एक क्यूबिकल बॉक्स इसने बनाया हुआ है, ठीक है, ये क्यूब है, साइट ऑफ लेंथ एल, आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2ml² और क्योंकि ये 3D बॉक्स है तो nx² + ny² + nz² और n की वैल्यू जो है x या y हो या z हो ये ग्रेटर देन 0 होती है और ये इंटीजर होती है, n इंटीजर, n इंटीग्रल, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होती है और इंटीग्रल होती है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए इनकी मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1, 1, 1। जब 1, 1, 1 रखूँगा मैं तो ई नॉट ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकलेगी जो कि 3π² h² 2ml² ये आपकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हो गई, ठीक है। अब आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी इसने पूछी है ग्राउंड स्टेट के टर्म में, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या कैसे कर सकते हैं अपन, 1, 1, 2 ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इससे जस्ट जो ऊपर है, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या हुआ, 4, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, तीनों को ऐड कर दो क्या हुआ, 6, तो ईवन क्या है, 6π² h² 2ml², तो ईवन क्या आया, ठीक है, ये 2 × E₀ आया, ठीक है। ये आपका कौन सा फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, ठीक है। तो ये आपका 13 का सॉल्यूशन हो गया। ओके अपन आते हैं 14th क्वेश्चन में, तो 14th क्वेश्चन बोलता है फॉर अ स्मॉल स्पेरिकल बॉल हैविंग अ चार्ज क्यू एंड अ मास एम इज टाइड टू अ थिन मासलेस नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग ऑफ एल लेंथ, द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड टू इनफिनिटली एक्सटेंडेड थिन यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग सीट विद अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अंडर द इक्विलिब्रियम स्ट्रिंग मेक अ 45 डिग्री विद द शीट एज शोन इन अ फिगर, देन सिग्मा इज गिवन बाय, अच्छा सिग्मा बस पूछा, ओके। ये इसने एक डायग्राम दिया है, ये इन्फिनाइट चार्ज कंडक्टिंग शीट है, ये चार्ज है इस पर, ठीक है, इससे इसने एक बॉल लटका दिया,
और ये क्या है, कंडक्टिंग मासलेस नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग, ये नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, अब इसने बोल रहा है ये वाला एंगल जो दिया है इसने 45 डिग्री दिया है। ठीक है, इसकी लेंथ एल है तो ये 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग सीट क्या होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सीट। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, ठीक है जो भी इस पे चार्ज है क्यू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो क्यू सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, इसका मास एम है तो एक ग्रेविटी लग रही है इसमें एम जी और ये टेंशन लग रहा है। अब 45 डिग्री एंगल बना रहा है इसलिए टेंशन का ये वाला कंपोनेंट भी टी बाई रूट टू होगा कॉस 45 और ये वाला कंपोनेंट भी टी बाई रूट टू होगा साइन 45। ठीक है, अब यहाँ से तुमको ये भी दिख रहा है ये भी टी बाई रूट टू के इक्वल है, ये भी टी बाई रूट टू के इक्वल होना चाहिए इक्विलिब्रियम में होने के लिए, तो सीधा सीधा यहाँ से तो ये दिख रहा है कि एम जी जो है आपका क्यू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से आप सिग्मा निकाल लो, आपको सिग्मा ही पूछा है तो 2 mg epsilon naught डिवाइडेड बाई क्यू, ये आपका सिग्मा आ गया। ठीक है, क्या ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है इसमें। ठीक है, 2 mg epsilon naught डिवाइडेड बाई क्यू। ओके, आगे चलते हैं 15। तो 15 में इसने बोला है ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन जो है आपकी जेड कैप की। ठीक है, इसने बोला है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसे आ रहा है जिसका के वेक्टर इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसने दे रखी है एप्सिलॉन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के वन जेड माइनस ओमेगा टी इन डायरेक्शन ऑफ एक्स कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है आपका बी जो होता है, बी का डायरेक्शन या फिर बी मैं जो बोलूँ वो 1/v के क्रॉस आर होता है, के क्रॉस ई होता है सॉरी। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, के क्रॉस ई, यानी ये इस डायरेक्शन में होगा वाई कैप के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये तो हुआ अभी जो वेव आ रही है, अब वेव रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो वेव जब रिफ्लेक्ट होगी तब भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा, ये रिफ्लेक्टेड वेव है मान लीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही होगा पर के का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, के का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, अब के का डायरेक्शन क्या हुआ, इस डायरेक्शन, प्रोपोगेशन वेक्टर इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, तो आपका जो चेंज आएगा यहाँ पे, ठीक है, वो आएगा ई नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा माइनस के वन जेड माइनस ओमेगा टी और एक्स कैप, ये आएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, ये एक्स कैप में ही है। ठीक है, यहाँ पे माइनस के आ गया। ओके, अब बी किस डायरेक्शन में होगा, तो फिर के क्रॉस ई करो, ये माइनस वाई के डायरेक्शन में, अब के क्रॉस ई आएगा, वाई कैप का निगेटिव इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, और
ओके, और मैग बी कैप को लिखते कैसे हैं, वन अपॉन वी, ठीक है। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी वी वन है इस रीजन में, वी वन, और इस रीजन में वेलोसिटी वी टू थी, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इस रीजन में तो वेलोसिटी वी वन है, तो वन अपॉन वी वन, ठीक है। के क्रॉस ई, अब के को क्रॉस करना है आपके ई के साथ, तो एक्स क्रॉस क्या है आपका, एक्स क्रॉस होगा किसके साथ, नेगेटिव और वाई क्रॉस के साथ, ठीक है ना। सॉरी कुछ गलत है क्या, सॉरी, एक्स क्रैप एक्स क्रॉस जेड कैप होगा, और ये जो है आपको नेगेटिव और वाई कैप दे देगा, जो कि डायरेक्शन आपको दिख रहा है, नेगेटिव और वाई कैप, ठीक है। तो बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, नेगेटिव, एक तो मैंने नेगेटिव यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इनटू ई नॉट, मेरा ई नॉट यहाँ से आया, और एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा माइनस के वन जेड माइनस ओमेगा टी, ये होगा, ठीक है, और वाई कैप का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। अब वाई कैप निगेटिव कहाँ से आया, एक तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख लो राइट हैंड रूल लगा के, या देखो एक्स क्रॉस जेड कैप हो रहा है, ये माइनस वाई कैप दे रहा है, वाई कैप यहाँ पे लिखा है, माइनस मैंने सामने लिखा है, ई नॉट बाय वी, एक्सपोनेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ क्या है यहाँ पे, ये था माइनस के वन जेड, के वन माइनस के वन क्यों आया, क्योंकि के वन अपोजिट हो गया, पहले के वन ऐसा था तो के वन था, ठीक है, ये वाला वेक्टर माइनस के वन होगा, ठीक है। तो बी जो है ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये जो है सी ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिक्सटीन्थ, इसमें एक लॉजिक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, आउटपुट पूछा है, तो मैं पूरा लॉजिक सर्किट तो ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका आउटपुट आपको दिखा रहा हूँ क्या है, उसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, जैसे बाकी तो आप कर लीजिएगा। जैसे एक एंड गेट होता है, यहाँ अगर मैं एक्स वाई डालूँ तो ये एक्स इंटू वाई हो जाता है, ठीक है, और ये एक ये वाला गेट होता है, इसमें मैं एक्स और वाई डालूँ तो एक्स प्लस वाई हो जाता है, ठीक है। उसी तरह करके आप ये सब कर लीजिएगा, फाइनल रिजल्ट जो यहाँ पे आ रहा है आउटपुट में, वो एक्स इंटू वाई आ रहा है, प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स है, प्लस वाई प्लस जेड इंटू वाई है, ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई, ठीक है। आपको पता होगा एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई ही होता है, ठीक है, लॉजिक में क्या होता है, ए प्लस वन जो है ये वन हो जाता है, ए प्लस ए जो है ये ए हो जाता है, ए स्क्वायर भी ए हो जाता है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई हो गया, ओके, जेड एक्स था वैसे ही लिख दिया, वाई स्क्वायर अब वाई हो गया, प्लस जेड वाई, ठीक है। यहाँ से वाई कॉमन निकाल सकते हैं, वाई वन प्लस जेड हो गया, अब वन प्लस जेड वन हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से फिर वाई निकाल सकते हो कॉमन, तो वाई निकला तो यह एक्स प्लस वन प्लस जेड एक्स, ठीक है, ये एक्स प्लस वन फिर वन हो गया, तो यह आया वाई प्लस जेड एक्स, ये आया सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और ये बी ऑप्शन है यहाँ पे आपका, ये जो ऑप्शन है 16th क्वेश्चन में बी ऑप्शन पे है आपका ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब 17 में क्या दिया है, इसमें दिया है एक रेड स्टार है हैविंग अ रेडियस आर आर एट अ टेम्परेचर टी आर, एक स्टार है रेड स्टार जिसकी रेडियस आर आर है और टेम्परेचर टी आर है,
एक स्टार है, रेड है ये, ठीक है, और एक दूसरा स्टार है, ये एक दूसरा स्टार है, ठीक है, ये वाइट है, इसके रेडियस आर डब्ल्यू है और टेम्परेचर टी डब्ल्यू है, ठीक है। अब आपको वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से इतना तो पता होगा कि वाइट स्टार का टेम्परेचर हमेशा रेड स्टार से ज़्यादा रहता है वेवलेंथ डिफरेंस के कारण, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ वाइट स्टार इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ रेड स्टार, ये तो अपन को क्वेश्चन चालू होने से पहले ही पता चल गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है अगर ये सेम टोटल पावर इमिट करें तो, अब पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया जो है टी टू द पावर फोर होता है, आपको ये पता है, तो पावर इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर फोर इंटू एरिया, या पावर इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर फोर और रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों सेम पावर इमिट कर रहे हैं बोल रहा है, तो अब देखो टेम्परेचर ऑफ वाइट इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ रेड, वाइट का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, रेड के हिसाब से, तो वाइट का रेडियस कम होना चाहिए रेड के हिसाब से, तभी ये दोनों सेम पावर इमिट कर पाएंगे, दोनों तभी दोनों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट हो जा पाएगा। तो रेडियस ऑफ रेड मस्ट बी स्मॉलर देन रेडियस ऑफ वाइट, ये इनइक्वालिटी पूछा है इसने, ठीक है। तो रेडियस ऑफ रेड सॉरी अपोजिट, रेडियस ऑफ रेड ज़्यादा होना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ वाइट, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे सी ऑप्शन दिया हुआ, क्यों होना पड़ेगा, ये टेम्परेचर ऑफ वाइट ज़्यादा है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ वाइट को कम होना पड़ेगा तभी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है कॉन्स्टेंट रह पाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ वाइट इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ रेड और रेडियस ऑफ रेड इज़ ग्रेटर देन रेडियस ऑफ वाइट, ठीक है। तो ये था आपका 17 क्वेश्चन, सी इसका ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। जब आते हैं 18 क्वेश्चन में, अपन 18 क्वेश्चन बोलता है कि आपके एक रॉड दिया हुआ है जिसकी मास पर यूनिट लेंथ आपको दी हुई है 3x और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द टिप ऑफ द रॉड। तो ये ऐसी कोई रॉड है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, रॉड ऐसे घूम रही है इस प्लेन में, ठीक है। तो आप एक छोटा सा सेक्शन लीजिए, ये एक्स डिस्टेंस दूर हो, इसका मास डी एम हो, तो डी आई इसके लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी एम। अब डेंसिटी क्या है इसमें, मास पर यूनिट लेंथ होती है, ठीक है, तो डी आई कैसे लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर डी एम क्या होगा आपका, रो इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल आई चाहिए, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो रो बाहर आ गया, रो इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स है क्या, हाँ रो फंक्शन ऑफ एक्स है, रो 3x है इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ठीक है, ये 3 हो गया, ये एक्स क्यूब डी एक्स हो गया, 0 to L इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, तो 3/4 L टू द पावर 4, ठीक है, ये 0 to L है, L की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, 3 to the power 4, ठीक है, तो 3 into 4 ये 12 हो गया, ठीक है। तो ये तो ट्रिवियल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ओके। अब 19 क्वेश्चन में आते हैं अपन, तो 19 क्वेश्चन अपना बोलता है कि फॉर अ फॉरवर्ड बायन पी एन जंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी बैंड डाइग्राम इज करेक्ट, इसने एनर्जी बैंड डाइग्राम बनाया फॉरवर्ड बायस के लिए। अच्छा, जब आपकी कोई बायसिंग नहीं होती है तो एनर्जी बैंड डाइग्राम कैसा दिखता है, अगर मैं इसको पी बोलूं, इसको एन बोलूं, ठीक है, अगर मैं इसको कंडक्शन बैंड बोलूं, इसको वैलेंस बैंड बोलूं, तो ये ई एफ यहाँ पे होता है,
अगर इस पर कोई वो ना हो, बायसिंग ना हो, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन ये किस टाइप का है, ठीक है, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जो भी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बट जैसे ही मैं फॉरवर्ड बायसिंग करता हूँ पीएन को, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव दे दिया, ठीक है, और सॉरी नेगेटिव को नेगेटिव दे दिया, ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया आपकी पीएन जंक्शन के, ठीक है। तो क्या होता है, जो आपका कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ये पी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इट्स लाइक समथिंग लाइक ऐसा बनता है, इसको आप पी बोलते हैं, एन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की टनलिंग ऐसे हो रही है आपके, एक वैली बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो पी लोअर हो जाता है एनर्जी में, एन ऊपर हो जाता है एनर्जी में, वो आपको दिख भी रहा है कि मैंने फॉरवर्ड बायसिंग की गई है। फॉरवर्ड बायसिंग करने से एनर्जी लो हो जाती है पी की और एनर्जी ग्रेटर हो जाती है एन साइड की, ठीक है। तो ये है, अगर मैं रिवर्स बायसिंग कर दूँ तो यही उल्टा हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग में ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, पी की इंक्रीज हो जाएगी, एन की डिक्रीज हो जाएगी रिवर्स बायसिंग में, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग दिया हुआ है तो फॉरवर्ड बायसिंग में आपको ये मिलेगा और ये ऑप्शन ए है। अब आते हैं क्वेश्चन 20 में, 20। क्वेश्चन 20 बोलता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम C/3 टू 2C/3, ठीक है। अब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना है C/3 से 2C/3 तक, ठीक है, एंड C आपको पता ही है और ये इसमें मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी C की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अब कितना वर्क करना पड़ेगा पूछ रहा है, तो वर्क क्या होता है, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे एम जो है रिलेटिविस्टिक मास है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एम नॉट सी स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा रूट 1-V²C²-1, ठीक है। तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी तो आपकी ये आ रही है, ठीक है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ये आ रही है, चेंज नहीं है ये, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो क्या आएगा, एम नॉट सी स्क्वायर, इनकी बस दो टर्म का डिफरेंस लेना है, तो 1/√1-V1²C1²-1/√1-V2²C2² इसका भी माइनस, ठीक है, क्योंकि चेंज निकाला है K2-K1, मैंने K1-K2 लिख दिया था यहाँ पे, तो माइनस माइनस लिखाया क्योंकि K2-K1 निकले, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, V दिया ही है 3C/2, तो इतना हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालोगे वर्क आ जाएगा, और इसमें ये आ रहा है 143.58 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन 21 में आते हैं, ये मैंने कराया हुआ भी है सॉलिड स्टेट के लेक्चर्स में, ठीक है। ये सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सीजियम क्लोराइड में इसने इस तरह दिया हुआ है कि BCC लगे, बट आपको पता है सिंपल सीजियम क्लोराइड BCC नहीं है, दो इंटर पेनिट्रेटिंग सिंपल क्यूबिक का आपका इंटर पेनिट्रेटिंग दो सिंपल क्यूबिक का कॉम्बिनेशन है, तो सिंपल क्यूबिक आएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। 21 का आंसर जो है आपका सिंपल क्यूबिक है, ठीक है, ये तो हो गया 21। अब 22 भी कॉम्प्टन इफेक्ट पे है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको कॉस थीटा कैलकुलेट करने के लिए बोला है,
तो जैसे क्वांटम इफेक्ट में क्या फॉर्मूला लगता है, 2λ h m0 c 1 माइनस cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो cos ऑफ थीटा निकालोगे यहाँ से तो ये आएगा 1 माइनस डेल्टा λ m0 c डिवाइडेड बाई h। आपको सबकी वैल्यू पता ही है, डेल्टा लैम्डा क्वेश्चन में दिया है, m0 आपको पता है, सी एच आपको पता है। यहाँ से निकाल लीजिए थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू आई थिंक 30 डिग्री कुछ आ रही है, 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन सी है, 30 डिग्री आ रही है 22 क्वेश्चन। ठीक है, 23 में आते हैं। तो 23 में ये बोल रहा है, ड्यूरिंग द फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडल गैस अंडर द एडियाबेटिक कंडीशन द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। अब आइडल गैस फ्रीली एक्सपेंड कर रही है, फ्रीली एक्सपेंड कर रही है और एडियाबेटिक भी है। अब एडियाबेटिक है तो कोई उसमें हीट दिया नहीं जा रहा है, ठीक है, फ्रीली एक्सपेंड कर रही है तो वर्क भी कर नहीं रही है, तो DQ भी ज़ीरो है और आपका DW भी ज़ीरो है। ठीक है, तो DU भी यहाँ पे ज़ीरो ही होगा, इसका मतलब है, ठीक है ना, आप वर्क कर रहे हो ना हीट दे रहे हो, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी में कैसे कोई चेंज हो सकता है, तो इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये ऑप्शन डी है इसका। ठीक है, ऑप्शन डी है 23 क्वेश्चन का, रिमेन्स कॉन्स्टेंट इंटरनल एनर्जी। ओके, 24, 24 भी ट्रिवियल क्वेश्चन है। ठीक है, इसने PD डायग्राम दे रखा है, ठीक है, और पूछा है किस रीजन में क्या होता है। ठीक है, तो PT डायग्राम अगर आपने फेस ट्रांजिशन वगैरह कभी पढ़ा है, ठीक है, तो PT डायग्राम में आपको पता ही होगा कि ये जो है फेस, ये आई थिंक वेपर का, ये है वेपर का, ये गैस होता है, ये लिक्विड होता है और ये सॉलिड होता है। तो इससे पूछा है बस क्या क्या होता है। ठीक है, इसने कहा है इसको मैं फोर्थ सेक्शन बोल दूँ, इसको मैं थर्ड सेक्शन बोल दूँ और इसको सेकंड सेक्शन बोल दूँ और इसको फर्स्ट सेक्शन बोल दूँ। तो सेकंड थर्ड फोर्थ में इसने ऑप्शन दिया है सॉलिड लिक्विड गैस क्या होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। बी में इसने बोला है कि यहाँ पे गैस होगा, यहाँ पे वेपर होगा, लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, इस टाइप का है, क्या कौन सा फेस होगा वो पूछा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और ये होता है, ये तो ट्रिवियल। ठीक है, अब क्वेश्चन 25 देखते हैं अपन। ओके, क्वेश्चन 25 में ये बोला है, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा प्रोपोगेट्स थ्रू अ डिस्पर्सिव मीडियम विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसने फंक्शन ऑफ लैम्डा दे रखा है जो कि है 1.5 प्लस 0.6λ। ठीक है, द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग वेव इनसाइड द मीडियम इन ए यूनिट ऑफ 10^8। अच्छा, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका ये होता है n λ - λ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ आपका विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा। ठीक है, तो ये सी है आपका, एन लेमडा क्या है 1.5 प्लस 0.6λ, ठीक है, -λ, ये डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये 0.6 आ जाएगा, तो ये दोनों ज़ीरो हो गए, तो ये आया सी डिवाइडेड बाई 1.5। सी क्या होता है, 3 × 10^8 डिवाइडेड बाई 1.5, इसको डिवाइड करोगे तो 2 × 10^8। इसमें पूछा है 10^8 में इंटीजर क्या होगा, तो इंटीजर आपका 2 आंसर आएगा। ठीक है, और ये 2 जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 25। ओके, तो ये भी सीधा सा क्वेश्चन था, सब फॉर्मूले बेस्ड ही हैं, ज़्यादा कोई दिमाग लगाना नहीं है यहाँ पे। ओके, 26 में आते हैं। 26 बोलता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटेंसिटी मिनिमा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटेंसिटी मिनिमा दैट कैन बी ऑब्जर्व इन अ फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ अ सिंगल स्लिट विथ, इसमें दी हुई है
बी की वैल्यू दी हुई है 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो लेज़र बीम और वेवलेंथ इसने दिया हुआ है, लेज़र बीम का जो इसने यूज़ किया है 0.63 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब ये बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा। अच्छा, मिनिमा की मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमा चाहिए, कितने मिनिमास हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है। तो आपको पता है कि कंडीशन फॉर मिनिमास क्या होती है, बी साइन थीटा एम लैम्डा होती है। यहाँ पे एम नंबर ऑफ मिनिमास है, ठीक है। तो एम आप निकालते हैं तो क्या आएगा, साइन थीटा बी बाई एम, ठीक है। मैक्सिमम नंबर पूछा है तो मैक्सिमम नंबर के लिए, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम जानी चाहिए, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, -1 to +1 के बीच में रहती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमा के लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम जानी चाहिए, तो ये बी बाई लैम्डा हो गया, ठीक है। तो बी क्या है आपका, 10 divided by 0.63, इसको आप कैलकुलेट करोगे ये 15 के आसपास आएगा, ठीक है। तो यहाँ है डी ऑप्शन, ये ओके। 27 में अपन आते हैं, क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट द टिपिकल वेरिएशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यूटी डिपॉजिटेड ऑन वन ऑफ द कैपेसिटर प्लेट एंड द करंट आईटी इज गिवन इन सर्किट रिस्पेक्टिव। अच्छा, चार्जिंग पूछ रहा है, चार्जिंग में करंट और चार्ज का विथ टाइम क्या रिलेशन होता है, उसके रिस्पेक्ट में ग्राफ पूछ रहा है। तो बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन है, 12वीं वाला, 12th क्लास में होता है। तो चार्ज का रिलेशन चार्जिंग में ये आता है, 1 - e to the power कॉन्स्टेंट T/RC, ठीक है। और करंट का ये आता है, करंट ग्रेजुअली जाता है, ठीक है, जीरो, वो I0 से स्टार्ट होते हुए T/RC, ठीक है। तो अब जैसे चार्ज का ग्राफ बनाओगे तो T=0 पे चार्ज क्या होगा, ज़ीरो चला जाएगा, ठीक है। तो चार्ज ऐसे जाएगा, ये चार्ज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप करंट बनाओगे तो करंट डिकेइंग आएगा, T=0 पर करंट मैक्सिमम होगा, फिर ऐसे डिकेइंग आएगा। तो ये I है विथ रिस्पेक्ट टू T, ये RC सर्किट है। और ठीक है, इसमें A ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ट्रिवियल सा क्वेश्चन था। ट्वेंटी एट में आते हैं। अब अगर 28 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक फील्ड इज़ इम्पॉसिबल, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड इम्पॉसिबल है। तो मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन क्या क्या होती है, आपके पास मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। अच्छा, मैक्सवेल इक्वेशन में मैग्नेटिक फील्ड की एक कंडीशन होती है कि मैग्नेटिक फील्ड कर्लिंग होती है, कभी डाइवर्स नहीं होती, मीन्स मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हमेशा डायपोल के फॉर्म में होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या है, मैथमेटिकली इसको कैसे बोलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो, दैट इज, ये इक्वेशन मैथमेटिकली बोलता है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा, ठीक है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए, आप डाइवर्जेंस चेक कर लेना है यहाँ पे कि किसका ज़ीरो नहीं आ रहा है, ठीक है, वो पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, बाकी सब पॉसिबल है। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड हम क्रिएट कर सकते हैं, बट जिसका डाइवर्जेंस ज़ीरो ना हो वो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, जो मैं लिख देता हूँ, बी इसने दिया हुआ है -6xz(x)+3yz²y, ठीक है। डाइवर्जेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो पता है, ये ∂∂x में जाएगा, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ बी में अगर मैं ये यहाँ निकालूँ तो -6z हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस ये क्या है, वाई चला जाएगा, 3z² आएगा, ये डाइवर्जेंस है और ये नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। बाकी का कैलकुलेट करेंगे तो बाकी ज़ीरो हो जाएगा। और डेल क्या होता है,
डेल डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई जी कैप प्लस डेल डेल जेड जेड कैप या के कैप, जो लिखना है तुमको तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अब 29 में आते हैं अपन। 29 बोलता है कि एक वो दिया है, तीन इक्वेशंस दिए हैं, मोशन ऑफ द पार्टिकल कैसा होगा ये पूछा है। ठीक है, तो तीन इक्वेशन अपन पहले लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो x इक्वल्स टू 5 cos 8 पाई टी, y इक्वल्स टू 5 sin 8 पाई टी एंड z इक्वल्स टू 5t। तो पहले तो x y प्लेन का मोशन देखते हैं, z का छोड़ दो। तो तुमको दिख रहा है ये सर्कल बन रहा है, ये सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ड्रॉ करूं ये x y z, तो x y प्लेन में तो ये सर्कल बन रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, अब z में इसका क्वेश्चन मोशन हो रहा है, z जो है 5t है, dz by dt क्या है 5 है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से z डायरेक्शन में जा रहा है, तो मोशन कुछ ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, और जो ये पिच है, ये जितना z में जा रहा है पर रेवोल्यूशन वो कांस्टेंट है, जो ये पिच है वो कांस्टेंट है, तो ये रेडियस कांस्टेंट है और ये पिच कांस्टेंट है, तो इस टाइप के फिगर को क्या बोलते हैं, ये हेलिक्स है, ये हेलिक्स है जिसकी पिच कांस्टेंट है और ये रेडियस कांस्टेंट है, तो ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, पर हर सर्कल हर ऑर्बिट कंप्लीट करने में, एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में जितना मूव कर रहा है ये डिस्टेंस वो कांस्टेंट है, तो इस टाइप के फिगर को अपन हेलिक्स बोलते हैं, तो ये हेलिकल मोशन है और यहाँ पे सी जो है करेक्ट है। ओके, अब आते हैं 30 में, ये लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 30। ओके, ये बोलता है कि एक विस्कस मीडियम में मैंने एक बॉल डाला, ये एक मीडियम है विस्कस मीडियम, इसमें एक बॉल डाल दिया गया है, अब इसका मास है mg और इस पर विस्कस फोर्स लग रहा है fv, और बोला है इसने बायोन्सी को निगलेक्ट कर दो, बोला है बायोन्सी का ध्यान मत रखो, बोला है सिर्फ mg और विस्कस फोर्स लग रही है, तो फिर इस पर। ठीक है, अब विस्कस फोर्स बोला है इसने प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, तो विस्कस फोर्स जो है के वी होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में और वो भी, ठीक है, के कोई कांस्टेंट है। ओके, तो आपका जो मोशन है एम डी वी बाई डी टी फोर्स क्या क्या है, एम जी है और माइनस के वी है। ठीक है, तो डी वी बाई डी टी क्या है आपका, जी माइनस के बाई एम बी, और डी वी बाई डी टी प्लस के एम बी माइनस जी इक्वल्स टू जीरो, ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये एक सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको, इसका सॉल्यूशन मैं बस लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आएगा वी नॉट कोई कांस्टेंट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के बाई एम टी, ये। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वैसे जो चार्ज का हमने किया था अभी उसी टाइप का है, टी इक्वल्स टू जीरो पे क्या होगा, जीरो डालिए ये जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो इस टाइप का आएगा। अच्छा, इसको ऐसे बिना बिना किसी V और T का डायग्राम है, ठीक है, बिना किसी फॉर्मूले के भी डायरेक्ट आप देख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे देख सकते हैं कि पहले तो ये एम जी ज़्यादा है इस पे, पहले तो वेलोसिटी ज़ीरो थी, तो ज़ीरो तो ही, तो ज़ीरो से ही स्टार्ट होगा ये। ठीक है, अब इसमें एम जी लगना स्टार्ट हो, एफ वी अभी भी कमज़ोर है एम जी के रिस्पेक्ट में, तो बॉल एक्सेलरेट करेगा डाउनवर्ड। ठीक है, अब एक्सेलरेट तो कर रहा है बॉल,
बट जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ये ड्रैगिंग फोर्स बढ़ रही है, मतलब रेट ऑफ एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, मतलब पार्टिकल एक्सेलरेट तो कर रहा है, पर dA by dt ये नेगेटिव है। इसका क्या मतलब है? जैसे पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब dV by dt की जो स्लोप होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। देखो हमेशा पॉजिटिव है, ये स्लोप्स जो हैं हमेशा पॉजिटिव हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे मैंने खींचा, यहाँ पे खींचा, मैंने यहाँ पे खींचा, मैंने यहाँ पे खींचा, ये स्लोप्स पॉजिटिव हैं। बट इस स्लोप्स के चेंज होने के रेट, या मैं बोलूँ डी स्क्वायर वी डी टी स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव, या डी ए बाई डी टी, ये नेगेटिव है। क्योंकि देखो ये स्लोप का वैल्यू ज़्यादा है, इस स्लोप का वैल्यू कम है। तो दिस, जैसे मैं इसको ए बोल दूँ, इस स्लोप की वैल्यू बी बोल दूँ, तो ए माइनस बी जो है नेगेटिव है। तो डी ए बाई डी टी इसका मतलब नेगेटिव है, डी स्क्वायर वी डी टी स्क्वायर नेगेटिव है। तो पूरा ग्राफ जो है इस टाइप का बनना चाहिए। अब इसमें और जितने ग्राफ दिए हैं, एक तो ग्राफ इसमें ये दिया है, ये तो हो ही नहीं सकता, वेलोसिटी टाइम कांस्टेंट वेलोसिटी हो ही नहीं सकती। दूसरा ग्राफ इसमें ये दिया है, पहला स्ट्रेट लाइन दिया है, फिर ऐसे दिया है, ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। चौथा ग्राफ इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, ये ऐसे दिया है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत वाली बात ये है, ठीक है, कि पहले इसने क्या किया, डी ए बाई डी टी पॉजिटिव कर दिया है। डी ए बाई डी टी का पॉजिटिव का क्या मतलब है, ये एक्सेलरेट हो रहा है और तेज़ी से एक्सेलरेट हो रहा है, और टाइम के साथ एक्सेलरेशन की रेट बढ़ रही है। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइम के साथ एक्सेलरेशन की रेट घट रही है, तो ये वाला रीज़न आ ही नहीं सकता कभी ग्राफ में, ये यहाँ तक का रीज़न, ये नॉट अलाउड है। तो जो ग्राफ पॉसिबली ग्राफ है वो सिर्फ ये वाला ग्राफ है, ठीक है। ये थोड़ी